हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं स्पेशलाइज ट्यूटोरियल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एसेसरीज मेन्यूज के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। बेसिकली इससे पहले मैं आपको सट डाउन के बारे में बता चुका हूं, उसके बाद आपको मैनिपुलेटिंग विंडो के बारे में बता चुका हूं पिछले वीडियोज़ में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि एसेसरीज मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कि विंडो के अंतर्गत आते हैं और उनका यूज करके हम विंडो में कौन कौन से एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लेसे स्टार्ट करते हैं कैसे क्या क्या होता है। तो हमारा सबसे पहले आता है ब्लूटूथ फाइल ट्रांसफ़र। ब्लूटूथ फाइल ट्रांसफ़र, चूँकि ब्लूटूथ का नाम से आप पहले से ही वाकिफ़ हैं कि ब्लूटूथ होता क्या है। अब अपने मोबाइल में हम फाइल को ट्रांसफ़र करना, किसी भी इमेज को भेजना, सॉन्ग्स को भेजना मोबाइल के थ्रू हम लोग ब्लूटूथ से करते आ रहे हैं और करते रहे हैं। तो वही चीज़ हमारा कंप्यूटर के थ्रू हम किसी और कंप्यूटर में या फिर कंप्यूटर के थ्रू किसी ऐसे डिवाइस में जो कि ब्लूटूथ इनेबल हो, उस डिवाइस में हमें कोई भी चीज़ सेंड करनी हो या रिसीव करनी हो, उसके लिए हम ब्लूटूथ फाइल ट्रांसफ़र का यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ फाइल ट्रांसफ़र से आप किसी भी फाइल को सेंड कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस में जो कि ब्लूटूथ सर्विस इनेबल रहता हो, या फिर किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से आप कोई भी डेटाज या इमेज या फिर वीडियोस, मीडियाज, किसी भी प्रकार की फाइल को आप रिसीव कर सकते हैं। बट कंडीशन ये होता है कि जो फाइल आप सेंड करने जा रहे हैं उस फाइल को आप पेयरिंग करें, उस फाइल को आप सेंड करते समय उसको आप कनेक्ट करें, कनेक्ट करने के बाद उसकी पेयरिंग करें, और जो आपको रिसीव करना है वो आपका फाइल को उसको भी कनेक्ट करें, उसको भी आप पेयरिंग बनाएं, जिससे कि पेयरिंग बनने के बाद क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर वो एलिजिबल होते हैं एक दूसरे से कोई भी फाइल को साझा करने के लिए। ठीक, तो हम ब्लूटूथ फाइल ट्रांसफ़र में बेसिकली किसी भी प्रकार के फाइल्स को, डेटास को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेज सकते हैं, वो भी प्रॉपर कनेक्ट के द्वारा। बट शर्त ये है कि दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो और दोनों में ब्लूटूथ की सर्विस इनेबल हो। ओके, अब हम बात करते हैं कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर का भी यूज आपने बहुत बार किया होगा, या तो आपने अपनी पढ़ाई करते समय आप मैथ के कैलकुलेशन करने के लिए, या अगर आपका बिजनेस हो तो बिजनेस में कैलकुलेशन के लिए, कहीं दुकान पर जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए वहाँ पर भी आपने कैलकुलेटर का यूज देखा किया होगा, या फिर अपने मोबाइल में भी कैलकुलेटर को देखा। तो इसीलिए कैलकुलेशन का काम हम वहाँ कंप्यूटर में कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में अगर हमारे इस प्रकार की ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी फिजिकल कैलकुलेटर का यूज ना करके हमारे ऑलरेडी विंडो में कैलकुलेटर दिया होता है उन कैलकुलेटर का यूज हम अपनी सुविधा के लिए कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मार्केट से कोई भी कैलकुलेटर लेते हैं तो आपको अलग अलग मोड के लिए अलग अलग कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। जैसे प्रोफेशनल के हिसाब से कैलकुलेटर आते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर स्टैंडर्ड अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे आपको एक नॉर्मल कैलकुलेटर जो आपको जनरली देखने को मिलता है वो हमारा स्टैंडर्ड कैलकुलेटर कहलाता है। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर करते हैं, ठीक है, जहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स का यूज होता है तो वो हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर कहलाते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामिंग टाइप के जैसे हेक्साडेसिमल इस टाइप का काम कर रहे हैं तो उस टाइप के अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो तो वो हमारे प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर कहलाता है। उसके अलावा अगर स्टैटिक्स में आपका काम है या फिर आपका जो प्रोफेशन है वो स्टैटिक्स के लाइन में है, सांख्यिकी के लाइन में, अगर उस प्रोफेशनल से रिलेटेड आपको कैलकुलेटर की जरूरत होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक कैलकुलेटर। इस प्रकार से हमारा चार प्रकार के कैलकुलेटर होते हैं जिनका हम यूज अलग अलग प्रोफेशन में करते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में क्या होता है कि इस कैलकुलेटर में बल्कि आपको चारों मोड कैलकुलेटर दिया होता है, जिससे कि आप एल्टर प्लस F1, उसके बाद दूसरे मोड में जाने के लिए F2, तीसरे मोड में जाने के लिए F3 और F4। मतलब आप अल्टर F1, अल्टर F2, अल्टर F3, अल्टर F4 इस प्रकार से आप प्रेस कर करके आप अलग अलग कैलकुलेटर मोड में स्विच कर सकते हैं, या फिर आप कैलकुलेटर अगर खुला हुआ है तो उसके मेन्यू में जाके आप पर्टिकुलर जो कैलकुलेटर चूज करना हो उस पर आप क्लिक करके उसको आप खोल के यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कैलकुलेटर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बात करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट की। हमारे पिछले वीडियो को अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के तो हमने एमएस डॉस पढ़ाया था। एमएस डॉस हमारा जो बेसिकली विंडो था उसको हम लोग ब्लैक विंडो भी बोलते थे, वो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट था। हमें अब कोई भी, जैसे कि अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं विंडो, ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। बट विंडो से पहले जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था वो हमारा CUI बेस्ड चलता था, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जो कि एक कमांड बेस्ड होता था। तो कमांड बेस्ड का अगर आपको फ्लेवर लेना हो या फिर उस टाइप कैसे काम होता था या फिर कमांड के हिसाब से अगर कंप्यूटर को काम करना हो तो आप हमारे
कमांड प्रॉम्प्ट सेक्शन पे जाके क्लिक करके ये हमारा एमएस डॉस का एक विंडो ओपन होता है जहाँ पे आपको सी प्रॉम्प्ट मिलता है और उस प्रॉम्प्ट पे थ्रू आप जो कमांड आप चाहते हो उस कमांड का आपको प्रोसेस करके उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं और जो भी रिजल्ट होता है उसको आप देख सकते हैं। अगर आप इसके बारे में अधिक नॉलेज चाहिए तो आप हमारे पिछले वीडियो जाके एमएस डॉस की वीडियो देखिए, उस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन कौन से कमांड है, कैसे कमांड काम करता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कनेक्ट टू नेटवर्क प्रोजेक्टर। सपोज दैट कि आपका कंप्यूटर है और आप उसको कनेक्ट करना चाहते हैं प्रोजेक्टर से, तो प्रोजेक्टर सबसे पहले तो बता दूं आपको प्रोजेक्टर होता क्या है। तो प्रोजेक्टर हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी डिजिटल, कोई भी हमारा डिजिटल मीडिया हो, उस डिजिटल मीडिया को, डिजिटल फाइल हो, डिजिटल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया को हम किसी बड़े स्क्रीन पे, बड़े सरफेस पे हम लोग शो करा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टेलीविज़न की, बात करें मोबाइल की, बात करें लैपटॉप की, बात करें या फिर प्लाज्मा की बात करें, ठीक है, तो इसकी एक पर्टिकुलर साइज़ होती है कि हाँ उतने ही साइज़ में दिखा सकता है। चाहे हमारा अगर 5 इंच का मोबाइल हो या फिर हमारा 51 इंच का टेलीविज़न हो, तो उसकी एक उतनी साइज़ है, उस साइज़ तक ही वो आपको दिखाएगा। लेकिन अगर उससे भी बड़ी साइज में, जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं या फिर अगर आप किसी ऐसे आउटिंग पे जाते हैं जहाँ पे शीन कोई ऐसा आपको प्रेजेंटेशन दिया जाता होगा, या फिर आप किसी ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पे आपके अपने काम को प्रोजेक्टर के थ्रू वहाँ पर दिखाया तो स्लाइड में दिखाया, तो ये सारी चीज़ें जो कि इन किस टेक्नोलॉजी से परफॉर्म होती हैं वो है हमारी प्रोजेक्टर से। तो प्रोजेक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे कंप्यूटर से या फिर मोबाइल से, डिवाइस से कनेक्ट होके और हमारे उन डिजिटल फॉर्म के जो हमारे डेटाज होते हैं उसको एक बड़े स्क्रीन पर शो करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन से कनेक्ट टू नेटवर्क प्रोजेक्टर, हमारे नेटवर्क प्रोजेक्टर को यहाँ से कनेक्ट किया जाता है इस ऑप्शन में। एक होता है जो कि अभी इसका सेकेंड ऑप्शन है, कनेक्ट टू अ प्रोजेक्टर। टू अ प्रोजेक्टर का मतलब ये होता है कि आप जो प्रोजेक्टर कनेक्ट करेंगे वो फिजिकली करेंगे एक वायर के थ्रू। जैसे कि आपका पीसी है, पीसी से आपने प्रोजेक्टर कनेक्ट किया और प्रोजेक्टर को उसको स्क्रीन पे फ्लैश आउट करा दिया ऑन करके, जैसा कि वो चल रहा है। नॉर्मली ऐसे ही हमारे प्रोजेक्टर कनेक्ट होते हैं, बट आपको अगर नेटवर्क को प्रोजेक्टर कनेक्ट करना हो, मतलब मान लीजिए कि आपका प्रोजेक्टर कहीं और है और आपका सिस्टम नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और उस प्रोजेक्टर को आपको रिमोटली एक्सेस करना हो या फिर उसको आपको यहाँ से कनेक्ट करना है अपने सिस्टम से, तो वो हमारा आईपी के थ्रू होता है। आईपी के थ्रू या फिर नेटवर्क जो कंप्यूटर नेम होता है, नेटवर्क कंप्यूटर नेम, उस कंप्यूटर का नाम देके पर्टिकुलर उसका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को वहां पर देके एक्सेस करेंगे तो आप उसको यूज कर पाएंगे नेटवर्क प्रोजेक्टर को। और हमारा जो फिजिकल कनेक्टिविटी होती है, ये हमारा वीजीए केबल होता है या फिर एचडीएमआई केबल होता है, उस एचडीएमआई केबल से जो आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप को। लैपटॉप कनेक्ट करने के बाद आपका प्रोजेक्टर विंडोज़ होता है, आप अपने जाके सिस्टम सेटिंग से जाके वहाँ पे आप अपने विंडो को प्रोजेक्टर मोड पे कर सकते हैं, तो आपका उस जो डेस्कटॉप होगा वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा प्रोजेक्टर मोड पे और आपका जो भी डेस्कटॉप पे आइटम, जो भी चीज़ चलाएंगे वो सारा चीज़ कहाँ पर जाएगा, ऑन द वॉल। अगर आप फ्लैश कर रहे हो तो वॉल पे, अगर आप कोई पर्दा लगाए हुए हो कोई तो उस पे जाएगा, कोई फ्लैट सरफेस है जहाँ पे भी आप उसको शो कराओगे आपका जो भी लैपटॉप का कंटेंट होगा वो सारा वहाँ पे दिखेगा। तो इस दोनों में यही चीज़ होता है कि नेटवर्क पे काम करता है और ये फिजिकल काम करता है। अब नेक्स्ट हमारा है गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड बेसिकली एक तरह से कहा जाए तो हमारा एक हेल्प है, जो कि आप कंट्रोल पैनल में ना जाके आपको उन बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिन फीचर्स को विंडो ने गेटिंग स्टार्टेड दे दिया है। इसमें ये सुविधा दे दिया है कि आप उन सेटिंग्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि इस पर्टिकुलर सेटिंग से क्या होता है। फॉर द एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो गेटिंग स्टार्टेड से आप मान के चलो कि यूजर का अकाउंट क्रिएट करना है। अब यूजर का अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको बता देगा कि यूजर का अकाउंट होता क्या है उसके बारे में शॉर्टली, उसके बाद लिंक दे देगा। आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट होता है वहाँ पर वो ले जाके आपको एक्सटेंड कर देगा, फिर आप उन चीज़ों को क्रिएट करिए। इसी प्रकार से यूजर अकाउंट हुआ, बैकअप हुआ आपका, ठीक है, साइज़ की रिसाइज आपके फॉन्ट आपके टेक्स्ट की साइज़ हुई, उसके अलावा आप नेटवर्क की सेटिंग करना चाहते हैं, सिस्टम के
ग्राफिक का सेटिंग करना चाहते हैं और भी जितनी भी अलग अलग प्रकार की सेटिंग होती है वो सारी सेटिंग आपकी गेटिंग स्टार्टेड में होती है। इसके अलावा ये ऑनलाइन सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारी होती है जो कि विंडो में ऑफलाइन सारी चीज़ें लोड होती हैं जो कि आप सर्च करेंगे तो वो आपको प्रोवाइड करवा देगा। बट इसके अलावा अगर आप उस पर्टिकुलर विंडो के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये आपको ऑनलाइन सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है बट आपका सिस्टम ऑनलाइन मोड पे हो। तो ये गेटिंग स्टार्टेड हर विंडो में होता है, चाहे 7 हो, 8 हो, 10 हो या फिर आपका जो भी प्रीवियस विंडो हो, उन सब में ऑप्शंस होता है। उस ऑप्शंस को आप यूज़ करके आप उन सर्विसेज को देख सकते हैं कैसे काम करता है, उन सेटिंग्स को आप कर सकते हैं जो कि इसमें दी होती हैं। अब आगे बात करते हैं मैथ इनपुट पैनल। अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस फार्मूला या फिर आप ऐसा कोई मैथ का आप कोई स्पेसिफिक आप कोई टूल्स बनाना चाहते हैं या फिर ऐसा कोई काम करते हैं जो कि मैथ से रिलेटेड होते हैं तो उसको आपको किसी डॉक्यूमेंट में लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है या फिर अगर आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन पैकेज दिया जाए वहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं यूज हो पाती है तो उसके लिए हमारा मैथ इनपुट पैनल होता है। वहाँ पे जाके वो मैथमेटिकल उन सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो अर्थमेटिकल हो, चाहे लॉजिकल हो, चाहे स्टेटिक्स हो, उन किसी प्रकार का सिंबल है उन सिंबल्स को आप एज अ मैथ के फॉर्म में आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ मैथ इनपुट पैनल में। क्लियर?